सो गाइस बेसिकली जो हमारा एड्स है इट स्टैंड्स फॉर इक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम ठीक है जो कि कॉज होता है बाय एच आई वी वायरस दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशेंट वायरस ठीक है सो so गाइस अब यहाँ पे हमें बताना है कि वेस जिसे ट्रांसमिट होता है सबसे पहला है इसका ट्रांसमिशन थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स सो बेसिकली इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्टनर टू अदर बाय फिजिकल रिलेशनशिप और सेक्सुअल इंटरकोर्स ठीक है सेक्सुअली ये ट्रांसमिट होता है देन इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू इट्स फीटस तो गाइज बेसिकली इन्फेक्टेड मदर से ये उसके फीटस में ट्रांसमिट होता है एंड थर्ड वे इट इज़ ट्रांसमिटेड टू ब्लड ट्रांसफ्यूशन ठीक है सो ब्लड ट्रांसफ्यूशन के टाइम पर गाइज अब जैसे किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी हेल्दी uh, पर्सन में जा रहा है तो उससे ये एड्स भी ट्रांसमिट हो सकता है अब यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि ये जो एड्स है इतना डेडली क्यों है ठीक so, है सो गाइज बेसिकली क्या रहता है ये एड्स जो हमने देखा इट इज़ बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम तो यहाँ पे सिंड्रोम ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ठीक है तो बेसिकली क्या रहता है एड्स में ये जो वायरस है ये क्या करता है ये हमारे मैक्रोफेजेस को जाकर टारगेट करता है तो बेसिकली क्या रहता है जो हमारी इम्यूनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है ठीक है एज के केस में जो इम्यूनिटी है वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है अब इम्यूनिटी इतनी वीक है कि गाइस कोई भी छोटा सा छोटा डिजीज बड़ा बन जाता है जैसे कि अगर कॉमन कोल्ड है तो इट टर्न्स इनटू वेरी सिवियर निमोनिया ठीक है सो ऐसे ही छोटे छोटे डिजीज काफी ज्यादा डेडली हो जाते हैं काफी ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं कि जो एड्स है इट इज वेरी डेडली सो दिस इज द आंसर फॉर दैट थैंक यू क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जेई मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर